नमस्कार, मैं सेना का जवान हवलदार नारायण आज ठोक के दावा करता हूं कि सेना में जो MES का काम हो रहा है, मिलिट्री इंजीनियरिंग वर्क्स, उसमें बहुत बहुत करप्शन है, घोटाले हैं। ये मैं आज ठोक के दावा करता हूं। इसकी जांच जो देश की सुरक्षा एजेंसी है उनसे करवाई जाए। क्या वो काम कागजों में जितने कॉस्ट का है उतना काम ग्राउंड में हुआ है? जो कागजों में उसकी क्वालिटी है, क्या ग्राउंड में वो क्वालिटी है? कागजों में जो क्वांटिटी है, क्या ग्राउंड में वो उतनी क्वांटिटी यूज की गई है? कागजों में जो लाइफ है उस काम की, क्या वो काम उस लाइफ तक सर्वाइव करेगा, रहेगा? पिछले 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 9, 10 साल से किया गया काम क्या इस सब काबिलियत पे खरा उतरता है? क्या वो उस गुणवत्ता पे खरा उतरता है? इसकी जांच हो जाए, खासकर जवानों में, यूनिट में जो बाथरूम्स, टॉयलेट्स, लिविंग बैरिक्स उसमें काम होता है, उसकी पूरी जांच हो जाए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि उसमें बहुत करप्शन मिलेगा। और जो आज ताल ठोक के कुछ अधिकारी बोलते हैं कि करप्शन नहीं है, वो सब शेयर बाहर आएंगे, पहाड़ के नीचे आएंगे। मेरा फर्ज है एक जवान होने के नाते सरकार के नॉलेज में देना, सरकार को बताना, सिस्टम में बैठे ऊपर हवाले बैठे हुए अधिकारियों को बताना मैंने वो अपना फर्ज अदा कर दिया। 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में लेटरों में, और मुझे गर्व है इस फर्ज पे। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर और चैनलों में सभी बैठे ऊपर अधिकारियों को ये सत्य नॉलेज में डाला है और उसकी जांच की भी मांग की है। अभी ये सरकार का फर्ज बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसमें जांच करे, उसमें सुरक्षा एजेंसी को लगाए। नहीं तो हाई सुरक्षा एजेंसी नहीं गठित की जाए जो सेना से बिल्कुल अलग हो, जो सुरक्षा टॉप सुरक्षा रखती हो। उसमें सेना से बिल्कुल लिंक नहीं होना चाहिए। उसमें डायरेक्ट ऐसे कंप्लेन में डायरेक्ट जाके छापा मार के डायरेक्ट देखने का अधिकार हो। देश देश सबसे बड़ा है, किसी आदमी से, किसी नेता से, किसी अधिकारी से सबसे बड़ा, सबसे पहले देश है। किसी संस्था से बड़ा देश है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। तो इस चीज के जांच हो, सरकार इस चीज की जांच करे, ये मेरा सरकार से निवेदन है। और मैं आज इसका ताल ठोक के कहता हूं कि इसमें करप्शन है और बहुत सारा करप्शन मिलेगा। जो सरकार MES में जितना पैसा खर्च कर रही है, मिलिट्री इंजीनियर वर्क्स में जितना पैसा कागजों में दे रही है, क्या एक्चुअल ग्राउंड में उतना पैसा लगाया जा रहा है? और ग्राउंड में हो रहा काम उस क्वालिटी में, उस क्वांटिटी में खरा उतर रहा है क्या? इसकी जांच करना सरकार का कर्तव्य है। हर इशू लेके कोर्ट में जाना संभव नहीं है और हर इशू कोर्ट में सॉल्व नहीं हो सकता। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में सालों जाएंगे, उस बर्बाद हुए वक्त का, पैसे का जिम्मेदार कौन? और उस वक्त तक जो करप्शन अंदर चल रहा है उसमें और बढ़ेगा, सिस्टम खोखला होगा, पूरा सिस्टम करप्ट बनेगा, इसका जिम्मेदार कौन? तो प्लीज इसकी जांच हो, ये मेरा सरकार से निवेदन है। देश सबसे ऊपर, देश सबसे पहला। जय हिंद, जय भारत।